वेलकम टू XUV ट्रैवलर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन बनारस की बड़ी ही खास जगह जाने वाले हैं, काशी चाट भंडार, राजबंधु स्वीट्स और बाटी चोखा रेस्टोरेंट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वाराणसी, ये जो नाम है ये पड़ा है दो नदियों के संगम के कारण, जो कि है वरुण और असी, इनके कारण से वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी में टोटल 88 घाट्स हैं, जिसमें से तीन जो हैं उनका मेन अट्रैक्शन माना जाता है टूरिस्ट के लिए, जो कि है असी घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। इस समय हमें असी घाट में ये जाना जाता है अपने सुबह खास के लिए, जिसे ये आरती कहा जाता है, सुबह की मॉर्निंग आरती बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि हमारी आज की मिस हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ हो तो यहाँ ज़रूर आइए। ये इसका जो समय है वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप इंटरनेट में आप देखेंगे, आपको कुछ अलग अलग टाइम्स मिलेंगे, बट टेक्निकली यहाँ पे आरती होती है जस्ट बिफोर सनराइज टाइम। तो जब भी आप वो अपना सनराइज टाइम देखिए और यहाँ पे आइए। जो दशाश्वमेध घाट है, ये टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है अपनी ग्रैंड लेवल की आरती के लिए। जो शाम की यहाँ की इवनिंग आरती होती है, दैट इज बिग, वेरी बिग, और उसे देखने अटेंड करने हजारों लोग पूरे भारत से, इनफैक्ट पूरी दुनिया से आते हैं, तो वो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट है, वो बेसिकली लोगों की अपने लास्ट टाइम स्पेंड जो होता है उसके बाद यहाँ पे उनका क्रिमेशंस होते हैं, उसके लिए जाना जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर कोई अपनी लास्ट आखिरी सांसें लेता है उसे मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि बनारस में ही योगा और आयुर्वेद का जन्म हुआ है। इनफैक्ट महर्षि पतंजलि, जिन्हें हम फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। बनारस अपने म्यूजिक के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, रविशंकर जी, ये यहीं से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप ये इमेजिन करिए कि बनारस में टेंपल्स कितने हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 नहीं, तो 30,000 टेंपल हैं। कैन यू इमेजिन? आपको हमारे साथ सफर करना है, रोड ट्रिप पे चलना है, जगह का फूड कल्चर एक्सप्लोर करना है, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड स्टे एंड ट्रेवल विद अस। अब हो गया है पेट पूजा का समय, कुछ नया ढूंढा जाए। अभी हम यहाँ पे घूमते घूमते आए राजबंधु स्वीट्स। अब यहाँ पे देखिए, ये स्वीट की शॉप जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस ईयर ओल्ड है। दिस प्लेस इज क्वाइट पॉपुलर अमंग VIPs एंड बॉलीवुड सेलेब्स। ये है मलाई गिलौड़ी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दिखाइए जरा इसको क्लोज। आइए कुछ हम आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाते हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? खीर मोहन। ये है खीर मोहन। खीर मोहन की स्पेशलिटी ये है कि वो भैंस के दूध का बनता है, प्लस इसमें केसर और पिस्ते का इस्तेमाल होता है। देखिए, पीले कलर से आप समझ सकते हैं इसमें केसर का कैसा फ्लेवर होगा। तो ये बनारस की एक बड़ी ही स्पेशल मिठाई है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुलाब जामुन। देखिए, आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। थर्ड देखिए, ये होता है राजभोग, ये भी आपने बहुत टेस्ट किया होगा सब जगह। ये हमारे छेने के रसगुल्ले आ गए। ये देखिए, छेने के रसगुल्ले क्या टेम्पटिंग दिख रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। देखिए, ये है हमारी रसमलाई, क्या बात है। देखिए, इसमें पिस्ता बिल्कुल कैसे भर भर के डला हुआ है। हमारा नाम विजय यादव जी है हमारे साथ। राजबंधु कचौड़ी गली चौक। अच्छा, इसको कचौड़ी गली क्यों बोलते हैं? पहले यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये जाता है मणिकर्णिका मुक्ति धाम। यहाँ मणिकर्णिका संतान घाट का यहाँ वो यहाँ 2400 घंटा वो काम से चौक का वो होता है। तो ये उस तब से जब
लोग आते थे तो उस समय कचौड़ी उचौड़ी जब वहाँ से घाट से आते थे तो वहाँ अपना कचौड़ी उचौड़ी खाते थे तो ये पूरा गली कचौड़ी बिकता था। जैसे बनारस में जो खास चलती है होती है मलाई गिलौरी। जी 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 ठीक है, ये किस चीज़ की बनती है, क्या रहता है इसमें? ये मलाई की पूरी जो दूध खौला के उसका मलाई की पूरी जो परत आती है उसी परत को निकाल कर उसी में काजू पिस्ता मिलाकर बनती है। देखिए अब आपको इसको अंदर से दिखाते हैं, ये टूटी, अरे भाई साहब बाहर कुछ अंदर तो बहुत ही शानदार। देखिए मेरे ख्याल से लाइट नहीं आ रहा होगा, दिखाइए ये ऊपर मलाई की लेयर और अंदर ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या भरा रहता है? काजू पिस्ता इसमें भरा रहता है, काजू और पिस्ता। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्या बात है भाई क्या बात है। ये रहा काजू और पिस्ते का पेस्ट, मैं इसको टेस्ट करूँगा पहले। फ्रेशनेस, मतलब मलाई तो भाई बनारस की मानना पड़ेगा। और ये क्यों खास है वो आपको आगे एक बार खाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तिरंगी बर्फी खोए से बनती है, तीन लेयर का बनता है, पिस्ता है, काजू है। भाई साहब परवल की मिठाई, मतलब ये परवल को अंदर उसका निकाल कर उसको फिर सीरे में पाक कर और उसके अंदर सिर्फ खोआ मेवा भर के बनता है। ये अल्टीमेट होली की विशेष मिठाई है जो हर घर हर परिवार हर सदस्य खाता है। खाइए जरा इसको क्लोज से। वाह भाई ये क्या है। तो ये देखिए इसमें होती है जनरली मावा की या खोए की फिलिंग और उसके साथ मिलाया जाता है ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें काजू पिस्ता बादाम और खोवा शक्कर किशमिश जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको कुछ इसमें नारियल तो आप देख सकते हैं। ये देखिए नारियल बिल्कुल किसा हुआ नहीं है, तोड़ा हुआ नारियल डाला हुआ है। मतलब आइए इसको जरा टेस्ट किया जाए। लिटरली आप ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट अलग अलग टाइप का फील कर सकते हैं। बहुत फ्रेश है, क्रंची है और ड्राई फ्रूट से लोडेड है। मलाइयों लेकिन अभी मिलेगा नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपको एड्रेस भी मिल चुका है, कचौड़ी गली राजबंधु स्वीट्स, आइए और इनके जो ये खास स्वीट्स हैं इनको ट्राई करिए। अगर आप मीठे के शौकीन हैं आपको बहुत पसंद आएगा और इन्जॉय करिए। बहुत नाम सुना है काशी चाट भंडार का, आज इसे समझते हैं। जी ये देखिए काशी चाट भंडार का इन मेकिंग। ये देखिए इस तरीके से ये चाट पूरी यहाँ पे रेडी होती है प्रोसेस में, ये अब पकेगी इसमें। और साइड में जो आप देख रहे हैं वो एक बनी हुई जो प्रोसेस है उसको लेकर के कुल्लड़ में सर्व किया जा रहा है। देसी घी आ गया इसके अंदर, ये गई चाशनी। वाह भाई ये क्या क्या, काला नमक, काला नमक। और ये देखिए ये टमाटर का मसाला है, ये टमाटर का मसाला है। पसंद है यहाँ की चाय खाते? आप मैम कब से खा रहे हो यहाँ पे चाय? नाइन ईयर्स से। हम आ चुके हैं यहाँ के लेजेंडरी काशी चाट भंडार में, दिखाइए जरा। और उसके बाद जरा रूबरू बनाइए ये चाट के साथ। मतलब बहुत चाट खाई है मैंने, दिल्ली की चाट खाई, बॉम्बे की चाट खाई, एमपी की चाट खाई, हर जगह की चाट खाई, बट ये बिल्कुल अलग टाइप की चाट है। इसमें देखिए आप, मतलब इतना ब्लेंड ऑफ टेस्ट, मसाले दिख रहे हैं और इतना क्रीमी सा दिख रहा है। आइए इसके बारे में पहले कुछ हम खुद उनसे ही पूछते हैं जो ये चाट बना रहे हैं। भैया अपना नाम बताइए पहले थोड़ा। मेरा नाम राकेश केसरी है। राकेश केसरी, केसरी जी इस चाट में मतलब क्या क्या है थोड़ा एक शॉट में बता दो। ये टमाटर में 16 तरह के मसाले पड़ते हैं, 16 तरीके के मसाले। उसमें मावा रहता है, खोआ, खोआ चाट में, खोआ और काजू को पिसके दिया जाता है इसको गाढ़ा करने के लिए। अच्छा इसीलिए इतनी क्रीमी दिख रही है। और ये इसमें आप इसमें क्या घी यूज करते हैं? इसमें देसी घी पड़ता है, चाशनी पड़ता है, देसी घी, चाशनी, टमाटर और ये सेव नमकीन है, मैदे की, मैदे की तो बोलते हैं नमक वाला।
अच्छा, और ये कितनी पुरानी दुकान है अपनी? ये लगभग 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल पुरानी है। और चाट के तो मेरे को लगता है बनारस में लोग बहुत ज्यादा शौकीन है। अब बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये बिल्कुल दशाश्वमेध घाट के पास में ही है, तो आप जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पे भीड़ तो बहुत मिलेगी, लेकिन आपको चाट का जब मजा आएगा ना, तो आपके टेस्ट बड्स, आपके दिमाग को उतनी ही शांति मिलेगी। आइए, जरूर खाइए। मैं भी एक बाइट लेके बताता हूँ। बहुत अलग चाट है, जो हम टमाटर चाट खाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। इसमें स्वीट टेस्ट है बिकॉज इसमें ड्राई फ्रूट्स और मावे का यूज किया गया है, साथ ही साथ टैंगी है और टेस्ट बड्स में बहुत पानी आ रहा है। अब मैं इसको एंजॉय करूंगा, आप यहाँ आइए और इस चाट का आनंद जरूर लीजिए। तो अब हम डिनर के लिए आ चुके हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। ये एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस है और लोकल्स के बीच में काफी पॉपुलर है ये। अगर आप इसका एम्बियंस देखें तो ये काफी विलेज स्टाइल में बनाया हुआ है, काफी अट्रैक्टिव है। देखिए, मेनू में आपको तीन तरीके की थाली के ऑप्शंस मिलेंगे, 275 रुपीस ईच थाली, नो शेयरिंग एंड अनलिमिटेड। हमने ऑर्डर की है इनकी स्पेशल बाटी चोखा थाली। तो ये हमारी थाली आ चुकी है। ये देखिए, हमें दो तरीके की बाटी मिली है इसमें। ये जो पहली है ये है सत्तू की बाटी, इसमें सत्तू के मसाले की फिलिंग है। दूसरी ये जो है ये है पनीर बाटी, इसके अंदर पनीर का मसाला बना करके काफ़ी अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग की गई है और इनके ऊपर बहुत ही अच्छे से घी को लोड किया गया है, बिल्कुल मतलब मज़ेदार टाइप से। साथ में हमें स्नैक्स में मिलते हैं पनीर के पकौड़े, उड़द दाल के पकौड़े, और ये चटनी है, एक धनिया की चटनी है, दूसरी है प्याज टमाटर लहसुन की चटनी है, काफ़ी टेस्टी दिख रही है। साथ में मिलता है ये हमें चोखा, और ये जो चोखा है ये बनता है बैगन टमाटर आलू और सरसों का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है इसमें। तो दैट इज़ हाउ चोखा इज मेड, काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ है, बड़ा ही मस्त दिख रहा है। साथ में है ये बिल्कुल घर जैसी दाल है, सिंपल सी है, जिसमें घी और जीरे का तड़का दिया है, उसके बाद इसमें घी और ऊपर से डाला गया है, काफी सादी। और ये रही हमारी भाई मच नीडेड छाछ, मतलब इतना हैवी आप खाना खाएंगे तो आपको छाछ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए है भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वीट डिश। यहाँ पे आपको हर थाली के साथ एक ही स्वीट डिश मिलती, क्योंकि हमने दो थाली ऑर्डर किया इसलिए हमारे पास दो है अभी। एक है खीर, दूसरी है मूंग दाल का हलवा। अच्छा, ये स्नैक्स में आपको बताना भूल गया, ये है चावल के फरे, चावल से बनता है और अंदर उड़द दाल की फिलिंग होती है इसके अंदर। टेस्ट इज ओके, नथिंग वेरी स्पेशल। आइए भाई, सबसे पहले तो स्वीट डिश ही ट्राई किया जाए। तो ये चावल की खीर बड़ी ही यमी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रबड़ी बिल्कुल मिक्स करके दी गई है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये रहा आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा, मजा आ गया, घी से बिल्कुल सना हुआ है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं है और बिल्कुल माइल्ड सा मीठा सा टेस्ट है, बट बड़ा ही सूदिंग सा टेस्ट मिल रहा है, मजा आ गया भाई खाकर। सो आई वुड से फाइनली आई हैव दिस एंटायर एक्सपीरियंस वाज आई कैन से ओके। सर्विसेज में आई थिंक थोड़े से चैलेंजेस हैं यहाँ पे, आई थिंक बिकॉज ऑफ बिजी डे संडे, दिस इज संडे एंड दे आर फाइंडिंग इट्स स्लाइटली चैलेंजिंग टू हैंडल द क्राउड। अगर आप दाल बाटी के शौकीन हैं तो जरूर आइए, बट ट्राई टू अवॉइड वीकेंड्स।